नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गांधी मैदान में 70 फीट के रावण का पुतला दहन। छठ व दीपावली में चलेंगी 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। बिहार में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट। सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। गांधी मैदान में 70 फीट के रावण का पुतला दहन। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज रावण वध समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम शाम 4 बजे शुरू होगा। बता दें कि शाम 5 बजे रावण का पुतला दहन होगा। इस बार गया के कुशल कलाकारों ने गांधी मैदान में रावण का पुतला 70 फीट, 65 फीट का मेघनाथ और 60 फीट का कुंभकर्ण का पुतला का निर्माण किया है। दरअसल कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन नहीं हो रहा था। छठ और दीपावली में चलेंगी 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। दीपावली और छठ पूजा पर रेलवे ने पटना सिकंदराबाद, पटना अहमदाबाद सहित 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये पूजा स्पेशल ट्रेनें पहले से सूचित 24 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त है। इसके साथ ही त्योहारों को लेकर पटना वाराणसी मेमू पैसेंजर स्पेशल मंगलवार से बक्सर तक चलेगी। पुमरे के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी स्टेशन पर ट्रैफिक या पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण पटना वाराणसी मेमू पैसेंजर स्पेशल का परिचालन रद्द किया गया था। त्योहार को लेकर मंगलवार से इसे आंशिक रूप से पटना और बक्सर के बीच चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश का दौर शुरू रहा। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 12 जिलों में बुधवार को भी वज्रपात के साथ बरसात के आसार हैं। पटना मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ घंटों में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, गया, किशनगंज, नवादा, लखीसराय, नालंदा, पटना, शेखपुरा और वैशाली में आंधी के साथ भारी बारिश को होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने के आसार हैं। बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश की स्थिति बनी हुई है। बारिश के दौरान करीब 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। पटना हाई कोर्ट ने बीते मंगलवार को बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही स्पष्ट किया था कि किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण से लेकर पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए और उसके आधार पर चुनाव कराए, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिहार नगर निकाय चुनाव टलने पर बोले तेजस्वी यादव। पटना हाईकोर्ट के ओबीसी ईबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय स्थगित कर दिए गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। उसे नहीं पता कि ये मंडल और कर्पूरी ठाकुर का बिहार है। यहाँ अगर वो आरक्षण की आग से खेलने की कोशिश करेगी तो खुद भस्म हो जाएगी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए नगर निकाय चुनाव से ओबीसी और ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण नहीं दिया गया है। जल्द दूर होगी दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट की समस्या। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात कर लौटे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो मार्च 2023 तक पूरी हो जाएगी। इसी तरह सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए 52.5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही उड्डयन मंत्री को दरभंगा एयरपोर्ट के पास सिविल एविएशन सेवाओं से संबंधित एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का सुझाव दिया है। इन सभी मुद्दे पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बातें की हैं। उन्होंने सारी बातें गौर से सुनी। यहां पर मौजूद विभाग के अधिकारियों को इन मुद्दे को देखने के लिए कहा गया है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द इस पर काम होगा। मेले में खाने के बाद लोगों की बिगड़ी तबियत। अरवल जिले के रोहाई गांव में दुर्गा पूजा के मेले में लगी दुकान में खाना खाने के बाद 15 लोगों की तबियत बिगड़ने लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 व्यक्ति की जान भी चली गई है। बताया जा रहा है कि मरने वाले में पिता और बेटे हैं, जो कि करपी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा में लोग मेला घूमने के लिए आए थे। इस दौरान सभी ने रेडीमेड वाले के पास मिठाई और ब्रेड खाई थी, जिसके बाद वे लोग मेला घूमकर घर चले गए। अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ी।
वहीं डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर सभी रिकवरी कर लिए जाएंगे। श्रीराम के किरदार में एक्टर्स को मिली घर घर पहचान। देशभर में इन दिनों नवरात्रि और रामलीला की धूम है। छोटे पर्दे पर धार्मिक टीवी शोज का क्रेज शुरुआत से ही देखने को मिलता रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने टीवी पर राम का किरदार निभाकर लोगों के दिल में जगह बनाई, जिनमें रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल, साल 2008 की रामायण में टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी, साल 2015 में आया शो सिया के राम में एक्टर आशुतोष शर्मा, देवों के देव महादेव में भगवान राम का किरदार निभाने वाले पीयूष सचदेव, राम सिया के लव कुश सीरियल में हिमांशु सोनी और जितेंद्र कपूर ने फिल्म लव कुश में ये किरदार निभाया था जो साल 1997 में आई थी। भाजपा ने बिहार एमएलसी को सिक्किम में सौंपी अहम जिम्मेदारी। बिहार बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सिक्किम का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। कहा जाता है कि दिलीप जायसवाल की सीमांचल के इलाके में हर वर्ग के लोगों में उनकी मजबूत पकड़ है और अमित शाह के सीमांचल दौरे पर आने के बाद दिलीप जायसवाल की इसमें अहम भूमिका मानी जाती है। ऐसे में अब सिक्किम में आने वाले चुनाव में पार्टी की मजबूती दिलाने की जिम्मेवारी दिलीप जायसवाल को सौंपी गई है। मुकेश सैनी ने कहा भाजपा सरकार आरक्षण के खिलाफ है। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर आई हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच मुकेश सैनी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा को दी जा रही संपूर्ण आरक्षण पूर्व वर्तमान भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देश के अति पिछड़ा एवं पिछड़ा समाज को भाजपा सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करना होगा, क्योंकि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं। सैनी ने कहा कि इस निर्णय के कारण बिहार सरकार अब कई मामलों में अति पिछड़ों एवं पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे पाएगी। बिहार में नगर निकाय का चुनाव टलने के बाद भाजपा ने विरोधियों पर बोला हमला। बिहार में नगर निकाय का चुनाव टल गया है, इस पर बिहार में सियासत शुरू है। दरअसल निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण लागू किया तो जनसंघ मजबूती के साथ खड़ी थी, तब कर्पूरी जी को गाली देने, कुर्ता फाड़ने, कपटी ठाकुर बोलने वाले, आरक्षण नीति के खिलाफ पर्चा छपाकर बांटने वाले उपरोक्त भूमिका में रहे लोग आज राजनीतिक सहभागी हैं। इन सब का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार लड़ेगी लोजपा। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। दिसंबर महीने में वहां चुनाव होने की संभावना है। वहीं इस बार चिराग पासवान की पार्टी ने भी गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर सीट और उम्मीदवार पर रिसर्च वर्क कर रही है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान गुजरात में भाजपा को मदद करने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए चिराग पासवान गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज पर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2-1 से कब्जा किया। बतौर फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार 10वीं सीरीज जीती और भारत की इस जीत में टीम के मध्यम क्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का भी योगदान रहा, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये दूसरा मौका था जब सूर्य कुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने 3 मैचों की इस T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए। इन 3 मैचों में सूर्य कुमार यादव ने 10 चौके और 9 छक्के जड़े और उन्होंने 3 पारियों में प्रोटियाज के खिलाफ 50-61-8 रन की पारी खेली। पूरे बिहार में आज तेल के दाम कुछ इस प्रकार हैं। बिहार में तेल कंपनियों ने कई जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, जिनमें भागलपुर, गया, सासाराम, आरा, मधुबनी, छपरा, हाजीपुर, बेतिया समेत अन्य शहरों में बुधवार को पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। मुजफ्फरपुर समेत अन्य जगहों पर तेल कीमतें स्थिर रहीं। वहीं पटना और पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई। हालांकि राजधानी पटना में पेट्रोल के रेट में 56 पैसे और डीजल में 52 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। इसके अलावा सिवान, सहरसा, गोपालगंज, कटिहार, जहानाबाद, दरभंगा और बक्सर में भी तेल महंगा हुआ। देशभर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,968 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्यभर में कुल 26 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 62,960 कोरोना सैंपल की जांच हुई है, जहां 33 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रुमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रोहित कुमार, नुन्नू कुमार, इंद्रजीत कुमार शाह, राबिया बसारी,
मोहम्मद नौशाद रजा, धर्मेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, मुच्चू रंगीला, मंगिता भारती, अनवर करीम खान, राजकुमार प्रसाद, भानु प्रकाश मौर्य और संजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि छठ व दीपावली में पूजा स्पेशल ट्रेनें चलने से लोगों को कितनी सुविधा मिल पाएगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।